श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, ये दिन आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा। ये दिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी अच्छे संयोग होने के कारण ये दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेंगे, थर्ड हाउस में रहेंगे और वहां से भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तो दिन काफी अच्छा और भाग्यशाली साबित हो सकता है। तीसरा भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है, तो इस समय में आप पराक्रमी रहोगे। जी हाँ, जो भी काम हाथ में लोगे उसे आप अच्छे से निभाओगे। इस समय में लगभग हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। सुबह से ही आप प्रसन्न रहोगे, फ्रेश रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे। व्यापारियों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। व्यापारी इस दिन खुलकर निवेश कर सकते हैं। ये समय आपके लिए तरक्की लेकर आया है, तो अच्छे समय का अच्छा लाभ जरूर उठाए। नौकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए समय हर प्रकार से शुभ साबित होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को छोटी मोटी बाहरी रुकावटें आ सकती है, लेकिन समय काफी अच्छा है। अंत में आपकी पढ़ाई मन मुताबिक पूरी जरूर होगी। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव लाइफ के लिए भी ये समय बेहतरीन है। इस दिन आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, स्वस्थ और मस्त रहोगे। इस समय में हरे रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और 5 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है।